Keep upgrading your mind for higher results. जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों के कंप्यूटर पुराने कंप्यूटर से आज का रिजल्ट नहीं लिया जा सकता. You cannot get today's result from previous generation computer. उसी प्रकार से आज नई चीज कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में तो बिना अपने माइंड को अपग्रेड किए आप नहीं पा सकेंगे. आमतौर पे क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमें पढ़ने सिखाया जाता है, खाना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, सब काम करने सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि अपने मस्तिष्क को कैसे चलाएंगे. हाउ टू रन योर ओन कंप्यूटर. यदि आपको सब कुछ दे दिया जाए कंप्यूटर चलाना ही नहीं है तो क्या करोगे आप. उसी प्रकार से आपको यही ट्रेनिंग नहीं है कि अपने मस्तिष्क को कैसे चलाना है. तो जितना भी मैं कह दूं कि अद्भुत शक्ति है आपके अंदर, अनलिमिटेड पावर है, जब चाहता ही नहीं चलाना तो उस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे कैसे आप. यू नीड टू लर्न दिस टेक्निक एवरी डे एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू अपग्रेड योर माइंड. एवरी डे यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू अपग्रेडेशन योर माइंड. आप रोज क्या सीखते हैं इससे आपका नॉलेज बढ़ता है, लेकिन अपने दिमाग से रोज क्या निकालते हैं इससे आपका विजडम बढ़ता है. Are you getting? जो अपने दिमाग से फालतू चीज निकालते हैं उससे हमारा विजडम बढ़ता है. रोज जो नॉलेज लेते हैं उससे हमारा नॉलेज बढ़ता है. राइट हमारे दिमाग में सुबह से शाम तक इतने इंफॉर्मेशन आते हैं जिसमें नेगेटिव भी हैं, शंकाएं हैं, लॉट ऑफ डाउट्स, लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स का. यदि हमने रोज इसको क्लियर नहीं किया तो हमारा दिमाग इतना फर्टाइल है कि जो भी हमारे दिमाग में जा रहा है वो सब उग जाएगा. आपके घर के पड़ोस में यदि कोई जमीन खाली है, रोज आप खाना खाते कोई आप फल का कोई सब सीड्स फेंकते चले जाइए, एक दिन ऐसा होगा कि पड़ोस में आपकी झाड़ी उग जाएगी. राइट लेकिन वो झाड़ी फिर झाड़ी है. आपको बागीचा बनाना है तो उसमें आपको प्लांट करना चाहिए किस जगह पे क्या करना है और कब वीड्स को निकालना है, कब फालतू घास को निकालना है, तब वो खूबसूरत बागीचा बन सकता है. हमारा मस्तिष्क बहुत फर्टाइल है, उसमें जो कुछ भी जाता है सब उग जाता है. इसलिए जैसे कि आप मान लो कि एक रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करते हैं, उस रिकॉर्डिंग में जब रिकॉर्डिंग चल रही होगी तो म्यूजिक चल रहा है, साथ साथ में कोई हथौड़ा भी मार रहा है, तो जब सुनेंगे तो वो रिकॉर्डर में हथौड़ा भी सुनाई देगा. यस और नो. उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और साथ साथ ये भी टेंशन हो रहा है कि शायद पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है. तो होगा क्या जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो एक और होगा अकबर वॉज ग्रेट, नहीं होगा आईएएस में, ये दोनों साथ रिकॉर्ड होगा, ये दोनों साथ रिप्ले होगा. राइट फिर आगे बढ़ोगे, महात्मा गांधी ने इतने साफ काम किए, दूसरा आएगा अरे इतना इन्होंने किया ही क्यों, इतना जो याद करना पड़ रहा है. दीज ऑल थिंग्स दे आर गोइंग साइमल्टेनियसली टू बी रिकॉर्डेड. यू हैव टू बी केयरफुल कि अपने माइंड में जो रिकॉर्ड करेगी वही रिप्ले करोगे आप. राइट यू हैव टू लर्न. जो बिना कारण का डिस्ट्रैक्टेड माइंड से पढ़ना, डिस्ट्रैक्टेड माइंड से काम करने से अच्छा है कि नहीं पढ़ना. चूंकि सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि हाउ कॉन्सेंट्रेटेड यू कैन बी देयर एंड यू कैन गो विद दैट. अब यू हैव टू लर्न और यही आपके मनुष्य के आपके निर्देशन को समझना है.